बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस चेक करने नहीं आता है कि उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पोस्ट ऑफिस में आया है या नहीं आया है। सूरज, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो पोस्ट ऑफिस में आया है या नहीं आया है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप जाना, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियोस में पर डे अपलोड करते रहता हूं और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आज कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे ये चेक कर पाएंगे कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पोस्ट ऑफिस में आया है या कहीं पे रुका हुआ है। सो गाइस, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझ पाइएगा कि किस तरीके से ये चेक कर पाएंगे कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहाँ पर आया हुआ है, कहाँ पर रुका हुआ है या पोस्ट ऑफिस में आया है या नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई ब्राउज़र को ओपन करेंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन में इसको ये साइट ओपन कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे थ्री डॉट पर जाके इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्राउज़र में जो है यहाँ पे parivahan.gov.in टाइप करके इंटर करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस, इस पर जैसे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने में ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, अब जो भी स्टेट से है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसमें सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे ढेर सारा ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे एप्लीकेशन स्टेटस का है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है। अब जब ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई किए होंगे उसी टाइम में आपको जो है एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है, तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कैलेंडर में से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे या कैप्चा आपको इसमें डाल देना। कैप्चा समझ में नहीं आता है ना भैया, तो यह कैप्चा आपको इस तरीके से रिफ्रेश करते रहेंगे, जितना बार करेंगे उतना बार यहाँ पे आपको कैप्चा चेंज हो जाएगा। वो कैप्चा डाल के यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। इससे पहले मैं आपको जो है परिवहन डॉट पे किस तरीके से आप अपना स्टेटस ड्राइविंग लाइसेंस का चेक करेंगे उसका मैं पहले एक वीडियो में कंप्लीट बना रखा हूँ। वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप बहुत ही आसानी से आप जो है इस साइट से समझ पाएंगे कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो है कंप्लीट प्रोसेस है या नहीं, आपका जो है कंप्लीट हुआ है या नहीं, इसके बाद इशू हुआ है या नहीं, डिस्पैच हुआ है या नहीं, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो पास हुआ है या नहीं, ये सब मैं डिटेल में एक वीडियो में बना रखा हूँ। उसका जो लिंक है इस वीडियो में, आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप जो है ये वो वीडियो देख के बहुत ही आसानी समझ पाएंगे कि आप जो परिवहन डॉट से आप किस तरीके से ये समझेंगे कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका स्टेटस क्या है। तो आज मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है ये समझेंगे कि आपका जो है पोस्ट ऑफिस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आया है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता होगा स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर, आपको जो है ये वाला जो है आपको इस वाले मॉडल नंबर को क्या करना है, आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ वाला जो है नीट टेब यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्पीड पोस्ट, देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखते ही यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपके सामने में ये पेज ओपन हो कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता होगा इंडिया पोस्ट ट्रैक का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो नंबर कॉपी किए थे आपको यहाँ पे नंबर लाके इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये कैप्चा है, कैप्चा को आपको इसमें डाल देना है। यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करेंगे, सर्च वाले पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए कि आपके सामने यहाँ पे ये जो पेज है ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन सा डेट में आपका जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकला है आपके पोस्ट ऑफिस के लिए, वो सारे के सारे डेट यहाँ पे आपको मिल जाता है।
यहाँ पर टाइमिंग मिल जाता है, यहाँ ऑफिस मिल जाता है और यहाँ पर इवेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 20, 21, 22 और 23, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 23 के डेट में यहाँ पर इतना बजे यहाँ बांसुरपट्टी सब डिविजनल ऑफिस में यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आइटम डिलीवरी कन्फर्म, मतलब जो है ये बांसुरपट्टी के ऑफिस में जो पोस्ट ऑफिस है, यहाँ सब डिविजनल ऑफिस है, यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस में आ चुका है। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये जो है ट्रैक कर पाएंगे कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो है पोस्ट ऑफिस में आया है या कहीं पे रुका हुआ है, उसका जो है स्टेटस आप बहुत ही ईजिली तरीके से आप जो है चेक कर पाएंगे। तो गाइस, ये वीडियो को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।